भैया ये गाड़ी कितने बजे तक आएगी? गाड़ी तो चली गई, अब जीप आएगी। जीप आएगी अभी? कितनी थोड़ी देर में आएगी जीप अभी। अच्छा अच्छा, तब तक एक चाय बनाती। ठीक है, अभी बनाता हूँ। अरे आप तो विशाल हो ना? मैं? हाँ मैं विशाल। ओ आप वही ना जिसने यहाँ पर सबसे पहले MBBS किया था? हाँ हाँ मैं वही विशाल। ओ वाओ नाइस। वैसे तुम क्या करती हो? मैं इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर। कुछ एक दो दिन के लिए आई थी यहाँ गांव में रहने। बहुत बुरी हालत है गांव की। वैसे तुम कितने दिन के लिए आए हो? मैं अब यहीं रहूंगा और यहीं अपना हॉस्पिटल खोलूंगा। क्या इतनी मेहनत करने के बाद, इतने अच्छे कॉलेज से पढ़ने के बाद तुम यहाँ रहोगे? हाँ, इतने अच्छे कॉलेज से पढ़ने के बाद मैं यहीं रहूंगा ताकि तुम्हारे इस बुरे हालत वाले गांव को अच्छा बनाने में अपना योगदान दे सकूं। ताकि अगली बार जब तुम आओ तो ऐसा ना कह सको, पता है इस रोड को बनाने के लिए गांव वालों ने कितना संघर्ष किया था, कितने दिन भूखे रहे थे, ताकि उनके आने वाली पीढ़ी इसका फायदा उठा सके। और हमने क्या किया? इस रोड का इस्तेमाल सिर्फ बाहर जाने के लिए किया। हमारे उत्तराखंड के गांव खाली होते जा रहे हैं, क्योंकि जब तुम और हम पढ़ लेते हैं तो अपने गांव में नहीं रहना चाहते, अपने गांव को बुरी हालत की तरह देखते हैं और खाली देखते ही हैं, उसे सुधारने की कोशिश नहीं करते। और सुधारना किसी अकेले के बस का नहीं है, इसमें हमको, आपको और बाकी सभी को मिलकर सोचना होगा। दाजू बहुत है भल चाचे। कोई भी टीचर गांव में नहीं पढ़ाना चाहता, कोई भी डॉक्टर गांव में नहीं रहना चाहता, कोई भी बिजनेसमैन गांव में बिजनेस नहीं करना चाहता। वो तो छोड़ो, हमारे जनप्रतिनिधि जीतने के बाद गांव में नहीं रहना चाहते। लेकिन मैं गांव में रहूंगा ताकि हमारे गांव वालों को इस रोड का इस्तेमाल इलाज के लिए बाहर जाने के लिए ना करना पड़े। आपकी गाड़ी आ गई जी। सुनो मैं अभी तो जा रही हूँ, पर मैं लौट कर आऊंगी और हम दोनों साथ मिलकर अपने गांव को आगे बढ़ाएंगे। मैं देवभूमि उत्तराखंड का आज बहुत लाचार सा महसूस करता हूँ, जब अपने जनों को अपने से दूर होता देखता हूँ। मैंने अपने जनों को सब कुछ दिया, पहाड़, नदियाँ, झील, झरोखे, पशु पक्षी। मैंने खुद को सबसे अलग बनाया। कहाँ कमी रह गई मेरे दुलार में कि इतना देने के बावजूद सब मुझे छोड़ के जाना चाहते हैं। हजारों मील लंबी यात्रा पहले कदम से शुरू होती है। पहला कदम हमने उठाया, दूसरा कदम आप उठाएं। आओ मिलके अपने उत्तराखंड को फिर से युवा बनाएं।